हेलो हाय नमस्ते। आज हम जा रहे हैं बनाने सत्तू वाले पराठे। इसके लिए मैंने ये सत्तू लिया है। ये आम का अचार है जिसमें से तेल सटा साथ में रखा है मैंने। ये थोड़ी सी नमक है, ये प्याज है, लहसुन है, ये हरी मिर्च है। तो हम इन सबको पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको, मैंने आटा भी लगा लिया है और अब मैं इसको बेलूँगी। कितने साइज के लोई लेंगे? तो पहले पेड़े बना के इसको ऐसे कर लेंगे। ये देखिए, इसमें सत्तू भर के इसको अंदर की तरफ भरेंगे। ये देखिए, इसको फिर से पैक कर देंगे अंदर। और इस लोई को हम ऐसे ऐसे दबा दबा के इस साइज में करके लगा के इसको हम बेल लेंगे हल्के हाथ से। ये देखिए, इसको रख लेते हैं और दूसरी उसी तरह बना लेंगे। हम भर लेंगे उसमें। इसी तरह हम साड़ी भर के रेडी कर लेते हैं पूरी। बहुत ही आसानी से ये देखिए, मैंने इतनी सारी पूड़ियाँ बना के रखी हैं। तवा चढ़ा दिया हमने, एक साथ मैंने बेल लिया है। थोड़ा सा आँच कम कर लेंगे। ये एक तरफ सिक गए हैं, दूसरा तरफ सिक गए। ये देखिए, दोनों तरफ सिक गए हैं। इसमें रखते हैं रिफाइंड। दोनों तरफ दबा दबा के अच्छे से दूसरा रखना। इसे चाहे तो आप कढ़ाई में तेल में फ्राई भी कर सकते हैं, पर मुझे सेका हुआ अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने सेक कर खा लिया।
लास्ट बच गया हमारा, इसे भी हम ऐसे ही सेक लेते हैं। तो हम बंद कर देते हैं, ऐसे गर्म से हो जाएगा। ये देखिए कितने जल्दी कितने झटपट सब पराठे बनके रेडी हो गए हमारे। जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगे तो जल्दी में ये पराठे बना के खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।